जनपद पंचायत के चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया होने से आज कई पंचायतों में आदिवासी, मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के महिला पुरुष सरपंच पद पर काबिज हैं, जिनके पद का शोषण सचिव कर रहे हैं। सरपंचों द्वारा केवल सचिव के कहने पर किसी भी दस्तावेज पर साइन कर दी जाती है, जिसके बाद पंचायत के खाते से पैसा निकाल कर शासकीय राशि को पतीला लगाया जा रहा है, जिसकी सूचना खुद सरपंच को भी नहीं होती है। ऐसे ही अधूरे शौचालय निर्माण का मामला महेश्वर विधानसभा के ग्राम झिगड़ी का प्रकाश में आया है, जहां खुद महिला सरपंच के निवास में आज तक शौचालय निर्माण नहीं हुआ। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को जंगल में शौच के लिए जाना पड़ता है। खरगोन जिले के महेश्वर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम झिगड़ी की महिला सरपंच मांगूबाई के 5 साल के कार्यकाल में स्वयं के ही मकान में शौचालय का निर्माण नहीं हुआ, जबकि पंचायत सचिव जालम सिंह का कहना है कि झिगड़ी पंचायत के करीब 62 हितग्राहियों के घर शौचालय निर्माण होना था, जिसमें से अभी 31 शौचालयों का निर्माण हुआ है। जबकि महिला सरपंच मांगूबाई का कहना है कि मेरे मकान में शौचालय निर्माण के लिए जो राशि मिली थी वह राशि मेरे मकान निर्माण में खर्च कर दी गई, जिसके कारण शौचालय निर्माण नहीं हुआ। आपको बता दें कि शासकीय शौचालय निर्माण के लिए सरकार को शौचालय निर्माण के लिए 12,000 की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें पक्का शौचालय बनाने के साथ साथ शौचालय में पलस्तर, वाश बेसिन, टंकी और दरवाज़ा लगाने के साथ ही रंग रोगन करना है। लेकिन सचिव और इंजीनियर की मनमानी के चलते ग्रामीण हितग्राहियों को घटिया मटेरियल में शौचालय निर्माण की सौगात दी जा रही, जो कहीं ना कहीं जिम्मेदारों द्वारा शासकीय राशि को पतीला लगाया जा रहा है। जबकि 29 फरवरी तक शौचालय निर्माण का लक्ष्य पूरा कर राज्य शासन को अवगत कराना है। शौचालय निर्माण में लापरवाही करने वाले रोजगार सहायक सचिव पर FIR करने के आदेश पूर्व में जिला CEO DK रंधा द्वारा स्थानीय CEO को दिए गए थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या शौचालय निर्माण में लापरवाही करने वाले जिम्मेदारों पर FIR दर्ज होती है या अधिकारियों की बातें हवा में ही होती है। सनावत से प्रभु दोगे की रिपोर्ट। काले क्यों नहीं बनाया? ये मैंने मकान में कैसे लगाया, मैंने खाया नहीं। अच्छा, मैं बना लूंगी। अच्छा, कितने शौचालय बन गए आपके अभी तक? ये मके इतना नहीं बताया कि वहाँ बनी रहे इतना का या कोई। कौन है सचिव आपका? जालम भाई। जालम भाई, मतलब कितने बने होंगे एक अंदाजन? आपको जानकारी देते हैं आपके यहाँ के काम होते हैं तो निर्माण? बस इतना के देख के हाँ बनी रहे शौचालय, दूसरी ना मोहल्ला में 3 बनिया था। जी जी, ये बताओ आपने यहाँ काम क्या 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 हुआ पता आपको? अभी एक खरंजे तो ये यहाँ सामने को बने, एक ये पाइप लाइन और एक गांव में खरंजा, एक गोबरी खेड़ा खरंजा, एक वहवन गोबरी खेड़ा, ये मालूम बस है। बस ये मालूम है। 5 साल में इतना ही बना? हाँ। मतलब आपको सचिव ये जानकारी देते हैं ये कि क्या होता है, क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? बस आते साइन करने इतने बोल देते कि ये पाइपलाइन आई तो कि इसकी साइन कर दो। मैंने साइन कर दो, मतलब ये सिर्फ आपके पास साइन कराने ही आते हैं है ना, बाकी ये काम नहीं बताते काम क्या हो रहा है? नहीं, काम को कि वो वहाँ काम चली रही, वहाँ चली रही। अच्छा, ये बताओ ये पाइपलाइन बताए कितने का काम होगा, ये बताए कभी? भैया ये 4 लाख की पाइपलाइन को मेरे को मालूम है। अच्छा, और खरंजा वहाँ कितने का हुआ? वो 5 लाख का। 5 लाख का, इसे पूरी जानकारी देते हैं? हाँ। अच्छा बना है? हाँ। अब देखने देखने गई थी। देखने जाते हो आप? सरपंच ने जब इलेक्शन लड़ा था जब तो लिख के दिया था कि उसके यहाँ पे शौचालय बना हुआ है, फिर भी संज्ञान में आया है तो इस मामले को मैं दिखाऊंगा कि सरपंच के यहाँ शौचालय क्यों नहीं है। इस पंचायत में सर 4-5 सचिव बदल दिए गए हैं और काफ़ी राशि निकाली भी गई है, लेकिन निर्माण कार्य का आज भी अभाव है सर। इस प्रकार की यदि शिकायत प्राप्त हो तो मैं अवश्य ही जांच करूंगा उसकी। सर 29 तारीख तक आखिरी है शौचालय निर्माण का, क्या हो जाएंगे सर सभी पंचायतों में? 29 तारीख तक ही कम्प्लीट करना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।